लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ऑफ एक्सरसाइज थ्री डी दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन ऐसी के की वैल्यू निकालनी है कि इन दोनों इक्वेशन में पुट करें तो उसका नो सॉल्यूशन आए तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हम हम सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं वो है हमारी के एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री ये हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी हुई ट्वेल्व एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू सिक्स ये हुई हमारी सेकेंड इक्वेशन तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे तो आया, kx plus 3y minus 3 equals to 0, ये आया के एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो ये रीराइट करके वही फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ और इसी तरीके से ट्वेल्व एक्स प्लस के वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन राइट अब हम ए वन ए टू निकाल लेते हैं ए वन हुआ के ए टू हुआ ट्वेल्व अगर आपको यहाँ पे ए वन ए टू नहीं समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ आप मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो रेफर करें बी वन होता है थ्री और बी वन बी टू हुआ के अगेन सी वन हुआ माइनस थ्री एंड सी टू हुआ माइनस का सिक्स राइट अब देखिए अब हमारा फॉर नो सॉल्यूशन क्या क्या होता था फॉर नो सॉल्यूशन हमारी कंडीशन होती थी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ए वन अपॉन ए टू क्या हुआ के अपॉन ट्वेल्व ये देखिए ये यहाँ लिखा है बी वन अपॉन बी टू थ्री अपॉन के इक्वल टू थ्री अपॉन के इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स तो अब हमने ए वन अपॉन ए टू जो इक्वल है ये दोनों हमारे इन दोनों को लिया तो ये लिख लिया हमने k अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन के राइट तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ k इन टू के इक्वल्स टू थ्री इन ट्वेल्व तो ये आया के स्क्वायर इक्वल्स टू थर्टी सिक्स अब जब भी यहाँ पे स्क्वायर होता है तो इधर जाने के लिए वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है ये हमने क्लास सेवन्थ और क्लास एट्थ में पढ़ा हुआ है अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरी वो वीडियोज़ देख सकते हैं अब स्क्वायर रूट के लिए हमें पेयर्स निकालने होते हैं तो पेयर को एक बार बाहर निकालना होता है थर्टी सिक्स को हमने लिखा सिक्स इन टू सिक्स पेयर बन गया है तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस और माइनस सिक्स राइट तो अगर हम k की वैल्यू प्लस सिक्स रखते हैं या माइनस सिक्स रखते हैं तो कौन सा एप्लीकेबल होता है अगर हमने k की वैल्यू इफ k इज इक्वल्स टू सिक्स तो क्या ये सैटिस्फाई करता है नो no सॉल्यूशन की वैल्यू कौन सी ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आता है कि नहीं आता है तो देखिए अगर हमने सिक्स रखा तो ये आया सिक्स अपॉन ट्वेल्व इक्वल्स टू थ्री अपॉन सिक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सिक्स वन जो सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व थ्री वन ज थ्री थ्री टू जो सिक्स थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स तो ये तो सारी इक्वल आ जाएंगी तो दैट मीन्स सिक्स नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी राइट तो मैं आपको इसलिए करके बता रही हूँ तो हम अगर k की वैल्यू इफ k इज़ इक्वल्स टू माइनस सिक्स रखते हैं तो क्या आता है ए वन अपॉन ए टू है ये आया माइनस सिक्स अपॉन टूवेल्व इक्वल्स टू थ्री अपॉन माइनस सिक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन सिक्स ये दोनों माइनस के थे तो ये कैंसिल हो गए अब देखिए ये सिक्स वन जर सिक्स सिक्स टू जो ट्व थ्री वन जर थ्री थ्री टू जो सिक्स थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स तो ये देखिए ये क्या आ गया माइनस का वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉइंट टू बट नॉट इक्वल टू वन अपॉइंट टू तो दैट मीन्स हमारा के के वैल्यू कितनी आनी चाहिए माइनस सिक्स तो हम लिख सकते हैं हैंक्वेशन दीज इक्वेशन हैज दिज इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन लेकिन कब वेन K is equal to minus 6 answer.